हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसू और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सी। तो यार, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे जो आप अपने फ़ोन में जो है पबजी लाइट का लैगिंग प्रॉब्लम को जो है फिक्स कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में है 1 GB रैम या फिर 2 GB रैम और आपका प्रोसेसर यहाँ पे बहुत ही ओल्ड है और आपका पबजी लाइट यहाँ पे जो है लैग कर रहा है, स्मूथली यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा है और आपका गेम अगर कभी कभी ऑटोमेटिक यहाँ पे कट हो जा रहा है और आपको अगर हीटिंग का इशू हो रहा है पबजी लाइट यहाँ पे प्ले करने में, तो आज की ये वीडियो यार आप ही के लिए है। तो वीडियो को यार पूरा एंड तक देखना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे जो आप अपने पबजी लाइट में जो है पबजी मोबाइल लाइट में लैगिंग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं और बहुत ही स्मूथली से जो है पबजी लाइट को यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। और अगर आपको गेम यहाँ पे ऑटोमेटिक कट हो जाता है तो वो भी यहाँ पे आपका फिक्स हो जाएगा। तो यार वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना और यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे जो आप अपने पबजी लाइट में जो यहाँ पे लैगिंग एंड हीटिंग इशू को फिक्स कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और अपने गेम को जो है स्मूथली यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो यार इसी के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपके अबाउट फ़ोन में चले जाना है। आपके फ़ोन में कुछ अलग नेम भी यहाँ पे रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर फोन्स में जो है यहाँ पे अबाउट फ़ोन रहता है और मैं यहाँ पे MI का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आप मुझे जो है MIUI वर्जन पे लगातार टैप करना है। और आप दूसरे कंपनी का फ़ोन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सैमसंग या फिर कोई दूसरा कंपनी, तो आपको यहाँ पे अबाउट फ़ोन में दिख जाएगा बिल्ड नंबर करके आपको यहाँ पे नीचे में कहीं पे दिख जाएगा। तो आपको जो है उसके ऊपर लगातार टैप करना है जब तक कि आप जो है यहाँ पे डेवलपर ना बन जाएँ। तो उसको आप जो है लगभग 5-6 बार यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप डेवलपर जो है बन जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है You are now a developer। तो मैं डेवलपर बन चुका हूँ, तो आपको भी जो है बिल्ड नंबर पर क्लिक करके जो है डेवलपर बन जाना है। देन आप जैसे ही बैक आएंगे तो आपके सेटिंग्स में जो है यहाँ पे आपको नीचे में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शंस, लेकिन मेरे फ़ोन में यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि मैं यहाँ पे MI का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे जो है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर मैं आप मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाता है डेवलपर ऑप्शंस, लेकिन आपको जो यहाँ पे सेटिंग्स में ही देखने को मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शंस। तो आपको जो है डेवलपर ऑप्शंस में जो है यहाँ पे चले जाना है। डेवलपर ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। देन आपको यहाँ पे कुछ विंडो एनिमेशन स्केल दिखेगा, तो इसको जो आपको 0.5x में कर देना है। देन इसके नीचे एक और रहता है, इसको भी आपको 0.5x में कर देना है। देन यहाँ पे एक और रहता है एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, तो इसको भी आपको जो है 0.5x में कर देना है। तो आप अच्छे से देख लीजिए इन तीनों को जो आपको यहाँ पे 0.5x में कर देना है। देन आप थोड़े से नीचे चले आएँगे, देन आपको यहाँ पर दिखेगा Force 4 into MSAA, तो इसको जो आपको यहाँ पर ऑन कर देना है। और आपको फ़ोन में यहाँ पे पबजी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लैग कर रहा है, पबजी लाइट बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे प्ले करने में, आपका गेम यहाँ पे कट भी हो जा रहा है। तो आपको जो है यहाँ पे एक चीज़ और करना है, और आपका फ़ोन में जो है थोड़ा मोड़ा अच्छे से यहाँ पे प्ले हो जाता है, तो आपको अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आपको अब जो है नहीं करना है। आगे वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे मैं आप लोगों को और भी कुछ बताऊँगा, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ मैं वो सारे लोगों को जो है नहीं करना है जिनका फ़ोन में जो है बहुत ही प्रॉब्लम होता है पबजी खेलने में, पबजी लाइट, जिनका फ़ोन में बहुत ही ओल्ड फ़ोन है जिनका 1 GB रैम हो, वो लोग ये सेटिंग को जरूर करें। बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट आपको देखने को मिल जाएगा सबसे नीचे में यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस के अंदर में ही, तो आपको जो है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है अटमोस्ट 1 प्रोसेस में कर देना है, ताकि आपका गेम जो है पर्टिकुलर आपका रैम का फोकस जो रहे वो गेम पे जाए और आपका रैम जो है पूरा गेम पे जो है यूज़ हो, ताकि अच्छे से जो है आप यहाँ पे जो है प्ले कर पाएँ अपने पबजी को। ज़्यादातर रैम जो है आपका पबजी लाइट जो यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेगा। देन सेटिंग्स में ही आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देन स्टोरेज का ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे कैच डाटा देखने को मिल जाएगा, एक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कैच डाटा, तो आपको जो है वेट करना है जब तक ये कैलकुलेट हो जाए। तो कैच डाटा को जो आपको रेगुलर यहाँ पे डिलीट करते रहना है, आप इसे हर बार मत करिए गेम खेलने से पहले, लेकिन आप जो है पर डे एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कैच डाटा, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि आपका जो है रैम में जो है कुछ ऐप्स के डाटा जो है यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, उसको आपको जो है क्लियर कर देना है ताकि आपका गेम जो है स्मूथली चले। तो देख सकते हैं मेरे फ़ोन में भी जो यहाँ पे 2.89 GB जो है कैश डाटा जो यहाँ पे है, तो आपको जो यहाँ पे कैश डाटा में क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है ताकि आपका गेम जो यहाँ पे अच्छा से चले। तो आप देख लीजिए इसे आप जो आपको यहाँ पे क्लिक करके कर देना है डिलीट।
देन अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो सैमसंग में के फ़ोन में एक ऑप्शन, एक ऐप रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐप है वो, स्मार्ट मैनेजर शायद उसका नेम है। तो आपको जो है स्मार्ट मैनेजर से भी जो है वहाँ पे जो है एक बार ऑप्टिमाइज़ कर लेना अपने फ़ोन को पबजी खेलने से पहले। और आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आप पबजी खेलने से पहले आपका सारा रिसेंट ऐप को जो यहाँ पे क्लियर कर लें, ताकि आपका गेम जो है बहुत ही अच्छे से जो यहाँ पे रन हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने फ़ोन को जो यहाँ पे चार्जिंग पे लगा के पबजी खेलेंगे तो आपका फ़ोन जो यार 100% लैग करेगा, क्योंकि आपका फ़ोन जब चार्जिंग पे जाएगा तो आपका फ़ोन जो यहाँ पे हीट होगा, और फ़ोन हीट होने से जो है यहाँ पे लैगिंग जो है यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो यही छोटा सा आपको कुछ चीज़ करना था जो मैं आपको बता दिया, छोटा सा टिप्स था ये। तो इसे आप करोगे उसके बाद जो यहाँ पे आपका लैगिंग प्रॉब्लम तो यार मैं 100% बोल रहा हूँ यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, और आपका गेम भी जो यहाँ पे स्मूथली प्ले हो जाएगा, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होने वाला है नहीं। मेरे फ़ोन में यहाँ पे अभी 4GB रैम वाला फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यार मैं आपको यहाँ पे गेम प्ले दिखा सकता था अगर मेरे पास अगर कम GB रैम वाला फ़ोन रहता, क्योंकि यार मेरे फ़ोन में ऑलरेडी जो है पबजी लाइट बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चलता है। तो यार आप ये सब सेटिंग अप्लाई करो, फिर देखना आपका लैगिंग प्रॉब्लम जो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, आपका गेम स्मूथली चलेगा और आपका गेम जो है यहाँ पे जो है बार बार कट नहीं होगा। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पे लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.